तो बैंकिंग की आज हम बात करेंगे तो बैंकिंग की जो सर्विस चलती है वक्रांगी में जिसमें एस बी एम एक प्राइवेट इंटरनेशनल बैंक है उसके अलावा फोर्टीन पी एस सी बैंक है तो आज हम जानेंगे कि ये जो बैंकिंग की सर्विस जो होती है बी सी पॉइंट मिलता है फ्रेंचाइजी के लिए तो मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए क्या पोटेंशियल है फ्रेंचाइजी के लिए क्या पोटेंशियल है और क्या क्या इसकी यूएसपीज है क्या बेनिफिट्स है ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स हम देखेंगे तो इसका एजेंडा क्या होगा तो एक ओवरव्यू यहाँ पे एजेंडा आपको बता दू हम समझेंगे कि वकरांगी का बैंकिंग बीसी पॉइंट ही क्यों? ठीक है? फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि अर्निंग पोटेंशियल क्या है मास्टर फ्रेंचाइजी का आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो अपनी अर्निंग और बैंकिंग ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस क्या होता है क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि बैंकिंग के ऑपरेशन बिजनेस बहुत ही स्मूथली चल सके और बेनिफिट्स जो है एस बी एम बैंक के बीसी पॉइंट के वो भी हम देखेंगे साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस तरह का सपोर्ट है वक्रांगी की टीम से तो पहले समझते हैं वक्रांगी का बैंकिंग बीसी पॉइंट ही क्यों तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट वन आरबीआई का विजन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन तो सबसे पहले आपको एक बात बता दू देखिए आरबीआई ने लॉन्च किया था बीसी पॉइंट बैंकिंग बीसी पॉइंट मॉडल 2006 सिक्स में और ये क्यों किया गया कि 2006 सिक्स के पहले आरबीआई ने अपने जनरल सर्वे जो देखे थे रूरल एरिया में तो रूरल का जो जोग्राफिकल कंडीशन है मतलब बहुत ही स्केर्स पॉपुलेशन होता था या तो गांव बहुत दूर दूर है तो वहां पे बैंक्स के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है अपना ब्रांच चलाना रूरल एरिया में तो ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट से ज्यादा रूरल पॉपुलेशन में फिफ्टी परसेंट से ज्यादा ऐसा पॉपुलेशन था जिसको बैंकिंग की सर्विस बैंकिंग की सुविधा नहीं मिल पा रही थी ठीक है तो आरबीआई का पहला विजन था या पहला गोल था उनका कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में हर किसी को इंक्लूड किया जाए बैंकिंग की सर्विस हर किसी को मिले इसीलिए 2006 में बैंकिंग बीसी मॉडल यानी कि बैंक बिजनेस करस्पोंडेंट एजेंट या बैंक बिजनेस करस्पोंडेंट सेंटर ओके इसका इंट्रोडक्शन हुआ ताकि हाउस होल्ड में आ, अपनी बैंकिंग की सर्विस मिल सके पूरे इंडिया में तो मेन यही था कि 15 20 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर हर सिटीजन के पास बैंकिंग की सर्विस हो तो वो था मेन गोल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन फिर दूसरा होता है कस्टमर कन्वीनियंस देखिए कस्टमर इतने किलोमीटर दूर जा रहे थे सिर्फ बैंकिंग के लिए या पैसे बैंक में डालने या बैंक से पैसे निकालने रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा था ट्रैवलिंग थी तो बहुत सारी चीजें आ जाती है वहां पर वहां पे फिर वो हम अपना विड्रोवल नहीं कर पा रहे थे सेविंग नहीं कर पा रहे थे राइट right. और दूसरी चीज थी तो ये कस्टमर के कन्वीनियंस के लिए था दूसरा इंटर ऑपरेबल बैंकिंग होना चाहिए आधार बेस। आधार इसीलिए पहले से लिंक हो गए सारे अकाउंट्स तो इंटर ऑपरेबल बैंकिंग पॉसिबल हो पाया और आरबीआई के रूल के हिसाब से किसी भी बीसी पॉइंट पर बाकी बैंक के कस्टमर्स आकर खुद के आधार लिंक अकाउंट से पैसे विद्रॉ कर सकते हैं ईपीएस के जरिए ओके okay? तो ये था कस्टमर कन्वीनियंस का तीसरा, और क्या होता है पहले तो हम उनको में ले रहे, वहाँ पे दे रहे, कस्टमर को कन्वीनियंस दे रहे हैं कस्टमर के लिए बहुत ही आसान और बहुत सारी चीजें तो मुफ्त है राइट वो अलग से कुछ पे नहीं कर रहे हैं साथ ही साथ वहीं पर रहने वाले लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आ गया राइट उसके बाद में मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं बहुत ही प्रॉफिटेबल हो जाता है क्योंकि ये ऐसा डायनेमिक और इतना यू नो ऐसा मॉडल है जिसके अंदर तो बहुत सारे काम एक ही जगह पर होता है ठीक है तो मल्टी सर्विसेज होती है एक ही जगह पर ये एक हो गया और लास्टली अगर हम यहाँ पे देखें ना तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है रूरल इकोनॉमी पे देखिए गवर्नमेंट चाहती है कि रूरल इकोनॉमी बढ़े इसके लिए एग्रीकल्चर और अलग-अलग तरह के स्कीम्स आती रहती हैं रूरल के लिए अब रूरल सिटीजंस के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है अगर बैंकिंग की सर्विस दूर-दूर तक नहीं है तो इस इन बेनिफिट्स को पाना ओके तो अभी जैसे कि बहुत सारे धन जनधन योजना है बहुत सारी सब्सिडी की स्कीम्स है गवर्नमेंट की साथ ही साथ सेल्फ हेल्प के बहुत सारे ग्रुप्स हैं एनजीओ बहुत सारे चलते हैं सेल्फ हेल्प के ग्रुप्स चलते हैं एमएसएमई है मीडियम्स माइक्रो है मीडियम uh, और मीडियम इनकी अपनी खुद की संस्था होती है फर्टिलाइजर की सब्सिडी स्कीम होती है फार्मर्स के लिए तो ऐसा बहुत कुछ होता है फिर क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी है सो ई ओके वो अलग है तो ये सारे सर्विसेज uh, ये सारे ऑप्शंस उनको रूलर ही में मिल पाता है साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि वक्रांगी का केंद्र का बीसी पॉइंट ओके okay, वो सर्विस तो देखिए वक्रांगी ने स्टार्ट किया बैंकिंग 2012 में ठीक है हमने 2006 में जैसे ही स्टार्ट हुआ उसके छह साल के बाद 2012 में वक्रांगी ने स्टार्ट किया अपना बीसी मॉडल तो तकरीबन चौदह हजार से ज्यादा बीसी पॉइंट ओके चल रहे हैं वक्रांगी के ओके बैंकिंग बिजनेस और अगर हम हर साल देखें पैन इंडिया एक करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए थे लास्ट ईयर ओके एक करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए जिसमें से अट्ठाईस लाख बैंक अकाउंट ओके यानी ट्वेंटी एट परसेंट वक्रांगी के थ्रू खोले गए यानी कि अपने बीसी पॉइंट अपनी फ्रेंचाइजी के थ्रू 28 परसेंट पूरे इंडिया के अकाउंट जो खुले साल भर में वो 28 परसेंट अपने केंद्रों के केंद्र के थ्रू खुले हैं ओके okay? और इसके अलावा हमारे जो बीसी पॉइंट है इन्होंने डोरस्टेप सर्विस भी दी थी जब कोविड चल रहा था मैं आपको कुछ पिक्स बताता हूँ ये देखिए जब कोविड का टाइम था तो घर घर जाकर अपने जो फ्रेंचाइजीज है बीसी पॉइंट है इन्होंने कस्टमर के घर पर जाकर डोर स्टेप सर्विस दी ताकि उनको विड्रॉल की फैसिलिटी मिल सके बाकायदा अपने सिस्टम उनके घर ले जाते थे और ऑथेंटिकेशन करके उनको कैश पैसे उनके ही अकाउंट से निकाल कर उनको दे देते थे एडिशनल बहुत सारी सर्विसेज है वक्रांगी में ओके तो यही हमें यूनिक बनाता है ये हमारा एक बहुत बड़ा USP है, unique selling point है। क्योंकि all over India में देखोगे 22 से 23 लाख अलग अलग बैंकिंग एयरटेल है के तो ये -मोटे होते है, 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 ऐसे बहुत कुछ है तो वो ज्यादा करके क्या देते हैं विद्रॉल देते हैं मनी ट्रांसफर देते हैं ऐसे दो तीन चीज पर ही फोकस होते हैं ठीक है थीके? उनके पास बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती और प्रॉपर बैंकिंग नहीं होता है अ प्राइवेट बैंक जिसे कहते हैं प्राइवेट बैंक या पेमेंट्स बैंक बोलते हैं जिसे जो खाली पेमेंट तक लिमिटेड होता है या मनी ट्रांसफर तक लिमिटेड होता है लेकिन अपने यहाँ पे क्या होता है हमारे यहाँ पे वक्रांगी में प्रॉपर बीसी पॉइंट यानी कि बैंकिंग की परफेक्ट यू नो सर्विसेज मिल रही है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे देखिए एस बी आई में प्राइवेट इंटरनेशनल बैंक साथ ही साथ यहाँ पे नाम देखिए बहुत सारे टोटल फोर्टीन पी एस यू बैंक है पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक ओके तो बैंकिंग की सर्विस है यहाँ पर ओके okay? जिसमें अकाउंट ओपनिंग कैश बैंकिंग की बाकी सर्विसेज पे इंक्लूडेड है और अगर मैं हेल्थ केयर की बात करूँ ऑनलाइन हेल्थ केयर है तो जिसके अंदर डॉक ऑनलाइन अभी हम देते हैं फिलहाल ओके ऑनलाइन शॉपिंग है जिसमें भी डिजीफाई आ गया है जिसमें रिफर्बिश यानी कि यूज फोन्स होते हैं बिग हाथ जिसमें फार्मिंग से रिलेटेड पूरा एग्रीकल्चर रिलेटेड पूरा मिलता है साथ ही साथ ऑनलाइन शॉपिंग के लिए वक्रांगी का ई-मार्ट है ओके फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए हमारे पास है फाइव पैसे गुडविल जिफी मनी ट्रांसफर के लिए एनएचडीएल ईकेओ बिजनेस लोन के लिए लेंडिंग कार्ट है बाद में ट्रांस यूनियन सिबिल है सिबिल रिपोर्ट्स के लिए ओके okay? तो ये सारी चीजें हैं फिर डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर आ जाता है डीमैट अकाउंट्स बहुत कुछ है इसके अंदर और इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम है ओके okay? साथ ही साथ भारत बिल पे सिस्टम है मोबाइल रिचार्जेस वाटर बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्लाइट बुकिंग यात्रा से बस बुकिंग रेड बस से ये कुछ सर्विसेज है इसके अलावा भी और बहुत सारी सर्विसेज है ओके okay? तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इतनी सारी सर्विसेज अवेलेबल है एक जगह पर ओके यानी कि एक ही जगह पर आपको सारी सर्विसेज मिलेगी और कस्टमर के लिए क्या फायदा होता है कि कस्टमर एक जगह आता है उनको बैंकिंग के साथ ये सब कुछ मिल रहा है तो यहाँ पे बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाता है अपनी फ्रेंचाइजी के लिए अर्निंग का पोटेंशियल बढ़ जाता है क्रॉस सेलिंग पॉसिबल हो पाती है कस्टमर का फुटफॉल बढ़ जाता है क्योंकि वो एक ना एक सर्विस के लिए तो आ ही रहे दूसरी सर्विस भी देख लेते हैं तो अगर हम इसका जो एडवांटेज की बात करें अगर कोई लेते हैं वक्रांगी केंद्र ठीक है ATM, तो हमारे पे एम भी मिलता है प्रॉपर फंक्शनल ए होता है जिसे हम कहते हैं वाइट लेवल ए ओके वो होता है साथ ही साथ मनी ट्रांसफर इंश्योरेंस मैंने आपको बहुत सारी सर्विसेज गिना वो सब है राइट बहुत सारे डिस्काउंट्स है फ्री में हम डिमेट अकाउंट्स दे रहे हैं ऐसे बहुत सारी चीजें जो फ्री दे रहे हैं न्यूली लॉन्च सर्विस होती है जैसे कि पैन कार्ड हो गया सिबिल हो गया हेल्थ केयर हो गया ऐसे बहुत कुछ है तो एक तरह से अपॉर्चुनिटी है अर्न करने की फ्रेंचाइजी के पास तीन से पांच लाख रुपए तीन महीने से कम में ओके okay? और साथ ही साथ फ्रेंचाइजी आराम से इतना पैसा बना सकते हैं जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया जितना का उनको वर्किंग कैपिटल चाहिए वो पैसे उन लोग दो से तीन महीने में बना सकते हैं इतनी सारी अलग अलग सर्विसेज इतनी सारी चीजों को बेच सकते हैं अभी वक्रांगी केंद्र जो जो है इसके जो है इसके अंदर बैंकिंग बीसी पॉइंट चलता इसमें कौन कौन सी बैंक है वो देखते हैं तो देखिए अभी चौदह हजार बीसी पॉइंट चल रहा है ठीक है ऑल अक्रॉस इंडिया में पच्चीस हजार फ्रेंचाइजी है जिसमें से फोर्टीन थाउजेंड बीसी पॉइंट के साथ है ठीक है तो इसमें पंद्रह अपने पीएसयू बैंक्स यानी कि नेशनलाइज बैंक है या प्राइवेट बैंक तो जिसके अंदर आता है इंडियन बैंक बैंक ऑफ बरोडा सॉरी बैंक ऑफ गुजरात ग्रामीण बैंक है बैंक ऑफ बरोडा इतनी बड़ी लिस्ट है ये सारे पंद्रह बैंक है जिसके बीसी पॉइंट हम देते हैं अभी इसके यूएसपी क्या है कि एक बैंकिंग एक पुल सर्विस है ट्रस्ट के बिल्ड करता है ओके फुटफॉल इंक्रीज होता है केंद्र पे उसके वजह से क्रॉस सेलिंग हो पाती है और हम एक एश्योर्ड बैंकिंग बीसी पॉइंट देते हैं जो सिर्फ सात वर्किंग डे में शुरू हो सकता है जैसे कि एस बैंकिंग बीसी पॉइंट सिर्फ सात वर्किंग डे में शुरू होता है हाइएस्ट कमीशन हम देते हैं मार्केट में जीरो बैलेंस है जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग हम देते हैं इंस्टेंट डिजिटल अकाउंट खुल जाता है okay? साथ ही साथ इंटर ऑपरेबल बैंकिंग देते हैं हमारे केंद्र पर यानी कि बैंक अकाउंट के जो होल्डर्स है किसी भी बैंक के वो आकर अपने केंद्र से के से खुद के के अकाउंट पैसे कर सकते हैं जरिए गवर्नमेंट की सब्सिडी भी अवेलेबल है जैसे कि डीबीटी की जब हम बात करते हैं डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर तो वो भी एक्टिव है और बैंकिंग की जो सर्विसेज है और भी जैसे कि अकाउंट ओपनिंग कैश विदड्रोवल डिपॉजिट फंड ट्रांसफर बैलेंस इंक्वायरी टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है और साथ ही साथ अभी सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स है ना ये मोस्ट ऑफ द बैंक्स में है पर एस बी एम एन एच डी एल और नैनीताल बैंक इसमें नहीं है तो इसका मतलब ये भी होता है कि ट्रिपल एस का टारगेट एस बी एम बैंक में नहीं होता प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अटल पेंशन योजना इतनी सारी अलग अलग पॉलिसीज है अब अर्निंग पोटेंशियल देखते हैं ये देखिए कुछ केस स्टडीज है यहाँ पे आप देख सकते हो जितेंद्र जी है कपिल मंजू श्याम इन्होंने कितने पैसे कमाए एक लाख ग्यारह हजार सेवेंटी एट थाउजेंड एट थाउजेंड फोर थाउजेंड और ये सारी चीजें इन्होंने कमाई है बैंकिंग से जी हाँ सिर्फ बैंकिंग की सर्विस से एक महीने में इन्होंने इतना कमीशन कमाया है तो आप खुद ही देख सकते हो पोटेंशियल ये कुछ केस स्टडीज है यूट्यूब पे आप इनके वीडियो देख सकते हैं यहाँ पे देखिए अनवर हुसैन है ये है दीपक कुमार ठीक है तो यदि मैं यहाँ पे देखू एस बी एम बैंकिंग बीसी पॉइंट तो इनका वीडियो आप देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर आपको जब ये पीडीएफ मिलेगा इस लिंक पे क्लिक करना यूट्यूब पे वीडियो ओपन होगा आप देख पाएंगे कि इन्होंने कितना बिजनेस किया कितना ग्रोथ हुआ है इनका ओके अपने एस बी एम के बीसी पॉइंट से देखिए हाईएस्ट कमीशन है इंडस्ट्री में तो अगर मैं बात करूं आधार बेस्ड अकाउंट ओपनिंग की ठीक है जिसमें एक वर्चुअल कार्ड मिलता है कस्टमर का जीरो चार्जेस है अपनी फ्रेंचाइजी कमा रही है तीस रुपए और इंक्लूडिंग जीएसटी एस टी थर्टी फाइव रुपीज फोर्टी पैसे और मास्टर फ्रेंचाइजी यानी कि आप कमाते हो दस रुपए और इंक्लूडिंग जीएसटी इलेवन रुपीज एटी पैसे ही आधार बेस्ड अकाउंट ओपनिंग जब होता है जिसमें वर्चुअल डेबिट वर्चुअल कार्ड के साथ साथ एक फिजिकल डेबिट कार्ड भी होता है इसमें वन प्लस जीएसटी का चार्जेस है इसमें फ्रेंचाइजी को मिलते फिफ्टी रुपीज और मास्टर फ्रेंचाइजी को फिफ्टीन पंद्रह रुपए Excluding GST. और सिर्फ फिजिकल डेबिट कार्ड अगर चाहिए तो कमाएगी रुपए रुपए में है है का कोई कैपिंग नहीं है, याद रखिए और अपने के लिए का बिना कोई कैपिंग कैश ट्रांजैक्शन की अगर मैं बात करूं डिपॉजिट है विड्रोवल है तो इसमें पॉइंट थ्री वन परसेंट का कमीशन है बट दस रुपए की कैपिंग है ये जान लीजिए बहुत ज्यादा है अगर इसको आप कंपेयर कीजिए किसी भी कॉम्पिटिटर से तो बहुत सारे जो बीसी पॉइंट है या बैंक है वो देते हैं पॉइंट वन जीरो पॉइंट वन फाइव पॉइंट वन थ्री ऑफ कम हो जाता है ये पॉइंट थ्री वन है ये बहुत ज्यादा है और अपने फ्रेंचाइजी को मिलेगा पॉइंट जीरो फोर फाइव परसेंट कैपिंग रहेगा वन रुपी फिफ्टी पैसे का ठीक है ई एम आई कलेक्शन के ऊपर भी पॉइंट टू एट परसेंट है बहुत जल्द कैश मैनेजमेंट सर्विस भी लॉन्च होने वाली है अपने एस बी एम केंद्र पर एस बी एम के बीसी पॉइंट पर और एक बात याद रखिए ये जो कैलकुलेशन में आपको बता रहा हूं एज अ मास्टर फ्रेंचाइजी ये आप अर्न कर रहे हो लेकिन जब आप एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी की बात करेंगे तो सारी चीजें कैलकुलेशन सब कुछ सेम रहेगा लेकिन आप क्या देखोगे आप देखोगे इंक्रीमेंटल वैल्यू इंक्रीमेंटल का मतलब होता है जब आप मास्टर फ्रेंचाइजी बने उसके एक महीने पहले जो भी फ्रेंचाइजी अर्न कर रहे थे okay? एक्स अमाउंट उसके ऊपर जो भी वो करेंगे यानी कि सौ ट्रांजेक्शन कर रहता है आपके आने के बाद तो 200, 250 करने लगे तो ये ऊपर के 100, 150 ट्रांजैक्शन है, वो एडिशनल है वो इंक्रीमेंटेड, इंक्रीमेंटल वैल्यू है, राइट उस इंक्रीमेंटल बिजनेस का आपको सेम कमीशन कैलकुलेट होता है अभी हम देखेंगे कुछ प्री रिक्विजिट्स बैंकिंग सर्विस के लिए देखिए बैंकिंग का अगर बीसी पॉइंट चलाना है तो कुछ चीजें मैंडेटरी है वहां पे एक बीसी एजेंट होना चाहिए बायोमेट्रिक का अपना डिवाइस होना जरूरी है वहां पे एक लैपटॉप होना जरूरी है कि बिना लैपटॉप के पोर्टल में लॉग कैसे करेंगे बिना बायोमेट्रिक के आधार बेस वेरिफिकेशन कैसे होगा ई के कैसे होगा फिजिकल कैश बैलेंस ओके तीन दिन का वर्किंग कैपिटल होना जरूरी है देखिए क्या होता है जब भी कोई बैंक में आ रहा है वो इंटेंशन से आ रहा है कि पैसे विड्रॉ करना है और अगर पैसे ही नहीं है तो कैसे चलेगा तो इसीलिए जो दिन का एक एवरेज पैसे जो जाते हैं ये हर लोकेशन में डिफर करता है कहीं पे पचास हजार कहीं पे लाख रुपए तो जो भी आपके लोकेशन का अमाउंट होगा इन टू थ्री डेज यानी कि फ्रेंचाइजी को तीन दिन का वर्किंग कैपिटल रखना जरूरी है इससे ये फायदा होगा कि कभी भी कस्टमर जो आ रहे हैं वो निराश होकर वापस नहीं जाएंगे ठीक है 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 अब जो जो भी भी थोड़ा बैलेंस ना वो सेटलमेंट अकाउंट में भी रखना है। क्योंकि अपने को वॉलेट के थ्रू ट्रांसफर करना होगा या डिपॉजिट करना होगा दोनों ही सिचुएशन में पैसे अकाउंट में होने जरूरी है वहां से हम वॉलेट पे ट्रांसफर करके ट्रांजैक्शन कर पाता है अभी कुछ चीजों पे ध्यान देते हैं एक सेकंड दीजिए आप ज्यादा से ज्यादा तो कोशिश कीजिए कि आप सेटअप कीजिए केंद्र विद एटीएम, ओके अभी इसके पीछे एक बहुत ही मेजर रीजन है देखिए क्या होता है ना जब भी आप सिर्फ केंद्र रखते हो ओके वो भी बिजनेस करता है ऐसे नहीं कि नहीं होता लेकिन जो हमने एक जनरल सर्वे किया था और जो देखा था कि कंज्यूमर्स जो कस्टमर जो होते हैं वो ऐसी जगह पे जाते हैं ना जहां पे एटीएम भी है बैंकिंग केंद्र ऐसे जो बना हुआ सेटअप होता है तो उनका ट्रस्ट थोड़ा और बढ़ जाता है ऐसे नहीं कि नहीं करते बट एटीएम देखकर उनका ट्रस्ट थोड़ा और ज्यादा अधिक हो जाता है है ठीक और और इससे एक फायदा भी होता है ना ट्रस्ट तो बिल्ड होगा प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी क्योंकि एक और चीज होती है जो होता है फुटफॉल बढ़ाना कोई एटीएम के लिए आ रहा है वो बैंकिंग की दूसरी सर्विस ले, ले लेता है कोई बैंकिंग के लिए आ रहा है वो केंद्र की सर्विस लेता है जो केंद्र के लिए आ रहे हैं वो बैंकिंग और एटीएम का भी इस्तेमाल कर लेता है तो वो एक चीज होती है और थर्ड होता है कॉस्ट और एक्सपेंसेस मैनेज होना कि देखिए जगह का खर्च तो फ्रेंचाइजी को होता नहीं है मगर क्योंकि एटीएम से थोड़ा कमीशन अर्न हो रहा है बैंकिंग से थोड़ा केंद्र के अलग अलग सर्विसेज से तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेंसेस जो उनके हो रहे हैं वो बढ़ जाते हैं या तो फिर इतनी ज्यादा अर्निंग के पोटेंशियल बढ़ जाते हैं कि वो एक्सपेंस ना के बराबर हो जाता है ओके सेकेंड चीज होती है सिलेक्शन ऑफ राइट लोकेशन देखिए कहाँ पे हम अपना बीसी पॉइंट रख रहे हैं बहुत जरूरी है बस डेपो है रेलवे स्टेशन है मार्केट एरिया है या कोई फैक्ट्री के पास या कोई ऑफिस है नियर बाय ऐसा कोई भी लोकेशन जहां पे कमर्शियल प्रमाइस है गे? और साथ ही साथ नॉन बैंकिंग डेज पर लाइव रखना पब्लिक हॉलीडेज के दिन लाइव रखना ये सारी चीजें बहुत जरूरी है क्योंकि कस्टमर कब आता है देखिए उनके लोकेशन में आप हो दूर नहीं जाना है इसीलिए वो आ रहे हैं ठीक है आते जाते आप दिखाई दे इसीलिए आ रहे हैं राइट या तो फिर आपकी एड्स विजिबल है तो पता चल जाता है है ठीक अंदर की गली में ही है और छुट्टियों के दिन जब बैंक नहीं चल रही है तब भी भी आप विजिबल हो आप अवेलेबल तो ये ये डिफरेंस होता है यही रीजन से लोग आते हैं अपने केंद्र पर अपने बीसी पॉइंट पर देखिए आपको क्या करना है आपको जो है लोकेशन का तो आपने उनको गाइड कर देंगे ठीक है जो एग्जिस्टिंग है उनके लिए रीलॉन्च बहुत जरूरी है यानी कि देखना है कि उनकी सर्विसेज बराबर चल रही है वो अपना मार्केटिंग और ब्रांडिंग बराबर कर रहे हैं ठीक है थीके? अगर वो सारी चीजें बराबर चल रही है तो फिर उनका रिलॉन्च करना उनका इनोग्रेशन करना ये बहुत ही जरूरी है थीके? और कभी ये कोशिश करना है कि अपनी फ्रेंचाइजी कभी कैश आउट ना ओके? ताकि कोई भी कस्टमर जो आ रहा है ना वो पॉजिटिव माइंडसेट के कह कि हाँ यहाँ पर हमेशा पैसा मिलता है ओके और इससे और बिजनेस भी आएगा क्योंकि एक जनरल एक सर्वे हुआ था अभी ये सर्वे हुआ था हमारे एटीएम की सर्विस के लिए बट ये और वो सेम ही है एटीएम में भी कैश विड्रॉ होता है और बैंकिंग पॉइंट पर भी कैश विड्रॉवल होता है ओके? Okay? तो उसमें यह देखा गया कि जो भी कस्टमर एटीएम पे आते थे और पैसे अगर नहीं होते थे तो उनको वापस से उस एटीएम पर आने के लिए बत्तीस दिन लग जाते थे या उससे ज्यादा तो एक एवरेज आया था थर्टी टू डेज ठीक है तो यानी कि या बहुत बड़ा लॉस है आप कस्टमर को खो देते हो एक लंबे समय के लिए अभी और कुछ चीजों को हमें देखेंगे देखिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिस है जो आपको फॉलो करनी है ताकि आपका बिजनेस ग्रो करे पहले तो एक रिलेशनशिप रखिए अपने branch के साथ, okay? कैसा होता है ना ब्रांच मैनेजर के साथ में रिलेशन अच्छा रहेगा तो आपके बीसी पॉइंट के लिए जो पैसे चाहिए वो खुद आपके लिए अवेलेबल करा देंगे ओके okay? यहां तक कि यही नहीं वो कस्टमर्स भी डाइवर्ट करते हैं ब्रांच से आपके केंद्र पर कभी तो कभी गर्दी बहुत ज्यादा होती है या बहुत ज्यादा कस्टमर्स होते हैं तो ब्रांच मैनेजर जो छोटे ट्रांजेक्शन है विदड्रॉल डिपोजिट्स उनको वो रिडायरेक्ट करते हैं नजदीकी बीसी पॉइंट पर या उनको आने वाले नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए एजुकेट कर देते हैं कि आपके करीब में ही बीसी पॉइंट खुल चुका है ठीक है तो ये भी हो जाता है यहां तक कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता है एग्जाम्पल एप्लीकेबल है बट नॉर्थ में यूपी बिहार साइड में एक बैंक था जहां पे स्टाफिंग बहुत कम था, तो एक को उन्होंने टेबल स्पेस अपने ही बैंक ब्रांच में दिया था मतलब नजदीक में ही दिया था उनके ही प्रीमाइस के अंदर ओके तो ये पॉसिबल हो पाया क्योंकि उनके रिलेशन उतने अच्छे थे और उनकी जरूरत भी थी बिजनेस की अब मैं ये नहीं बोल रहा कि बाकी बैंक बैंक देंगे या आज के डेट में पॉसिबल होगा नहीं होगा पर एक अच्छे रिलेशन रखने से कस्टमर्स को रिडायरेक्ट करना क्योंकि अल्टीमेटली उनका ही बिजनेस हो रहा है ठीक है उनको सजेस्ट करना कि नजदीकी बीसी पॉइंट से ही करा लो इतने दूर मत आओ ये होना पॉसिबल है कैश अवेलेबल रखना ताकि आप अपने वर्किंग कैपिटल के लिए वहां से पैसे ले सको ये सारी चीजें पॉसिबल है तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पोलाइट बिहेवियर विद कस्टमर ओके देखिए आपने सुना होगा ना कि कस्टमर लॉयल्टी बहुत जरूरी है कस्टमर और सबसे ज्यादा बिजनेस अच्छी मार्केटिंग होती है वर्ड ऑफ माउथ से यानी कि एक कस्टमर ही दूसरे कस्टमर को लाता है वो बोलता है कि यहाँ पे सर्विस बहुत अच्छी है आप भी चलिए आप समझ रहे हो और वो खुद आपके पास बार बार आता है अगर उनके बगल में भी कुछ खुल जाए ना घर के बहुत ही करीब तो भी वो आपके पास ही आएगा दो कदम ज्यादा चल के क्यों क्योंकि आपकी सर्विस अच्छी होगी आप उनके साथ पोलाइट हो आप उनके साथ अच्छे से पेश आते हो क्योंकि ट्रांजेक्शन नहीं होते तो भी कस्टमर लौट के आते हैं क्यों उनको पता होता है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो काफी अच्छे हैं काफी मदद करते हैं वो उस वजह से आपके पास आता है इसीलिए पोलाइट बिहेवियर बहुत ही जरूरी है तो हमें अपने फ्रेंचाइजी को इन चीजों पर एजुकेट करना है उनको बताना है आपको एज अ मास्टर फ्रेंचाइजी गाइड करना है कि वो क्यों अच्छा रिलेशन रखे क्यों पोलाइट बिहेवियर रखे हैं। जाकर उनको विजिट करके भी आपको देखना होगा ताकि फ्रेंचाइजी ये कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं और कैसे कर सकते हैं? अभी रिलेशनशिप ब्रांच मैनेजर के साथ रीजनल ऑफिसर्स के साथ अच्छी होनी चाहिए क्योंकि मोस्टली पीएचसी बैंक में वही ट्रिपल एस ट्रांजैक्शंस का आपको टारगेट देते हैं और देखिए राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स नहीं होना चाहिए यानी कि डिपॉजिट विद्रोवल ऐसा किया जाता है इसे मनी लॉन्ड्रिंग भी कहते हैं यानी कि जो गलत पैसा होता है वो ट्रांजेक्शन के थ्रू इधर उधर घुमाया जाता है भेजा जाता है फिर वापस लाकर तो इस तरह से इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं रिजर्व बैंक ने इसके लिए अगेंस्ट में एक पास किया था जिसे कहते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं तो हमारे जो गाइडलाइंस है अगर आप उसे फॉलो करोगे अपने फ्रेंचाइजी से फॉलो कराएंगे तो आप कभी भी इन रूल्स को ब्रेक नहीं कर रहे रहेंगे ओके okay? तो आपको एजुकेट करना अपनी फ्रेंचाइजी को ये कुछ डूज है जो सारे फ्रेंचाइजीज को फॉलो करने सारे बीसी पॉइंट को फॉलो करने और ये उनके यहाँ पे पेस्टेड भी होता है और ये डोन्स है जो उन्हें फॉलो नहीं मतलब नहीं करने चाहिए आप उनकी जगह परशन okay? होने चाहिए क्वार्टर में तीन ओके हर क्वार्टर का ये टारगेट है मिनिमम ट्रांजैक्शंस का तो मिनिमम अकाउंट जो खुलते हैं थ्री हंड्रेड मिनिमम प्रधानमंत्री पी एस बी वाई जो है वो डेढ़ सौ होनी चाहिए और एपीवाई अटल योजना जो है पेंशन योजना एपीवाई वो साठ होने चाहिए और प्रधान पी एम जे जे बी वाई जो है वो साठ होने चाहिए तो ये क्वार्टरली टारगेट है याद रखिए ये प्राइवेट बैंक और इंटरनेशनल बैंक के लिए नहीं है इनके लिए एस के लिए नहीं है जो फोर्टीन पीएस बैंक है ये उसके लिए एप्लीकेबल है ये देखिए इस तरह से इंश्योरेंस भी आप दे सकते हो पी एम जो बहुत ही लोकेटिव है बीस रुपए में आता है दो लाख का कवर फिर पी एम जे जे बी वाई है ओके जो दो लाख का कवर है फोर हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स रुपीज में ये भी आप दे सकते हैं साथ ही साथ अटल पेंशन योजना जो हजार से पांच हजार से शुरू किया जा सकता है यानी कि कम से कम फोर्टी टू रुपीज पर मंथ ओके और हजार से पांच हजार लोग इसमें गेन कर सकता है ये देखिए आप प्रॉपर ब्रेकअप यहाँ पे देखिए यहाँ पर एज का ब्रेकअप दिया है और यहाँ पे दिया है पीरियड वो कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ओके मंथली उनको कितना डालना है क्वार्टरली कितना डालना है हाफ ईयरली उनका इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा ताकि उनका इतना पैसा जमा हो सके All right. तो ऐसे ही आप देख सकते हो ये 1.7 लाख के लिए ये 3.4 लाख 5.1 तो आप देख सकते हो उनको पैसे कितने चाहिए फाइनली ओके ताकि महीने के 5000 वो कमा ले सके पेंशन में okay? और कॉर्पस अमाउंट इतना हो सके तो उनके एज पे डिपेंड करेगा और कितने इयर्स के लिए वो कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा उनका मंथली क्वार्टरली या हाफ ईयरली इन्वेस्टमेंट तो बेनिफिट्स देखते हैं एसबीएम बैंक के वक्रांगी और एसबीएम का एक कॉर्पोरेट टाइप हुआ है जिससे अभी बीसी पॉइंट दिए जाएंगे अपने वक्रांगी के केंद्र में और देखिए वक्रांगी के केंद्र इतने अच्छे से डिजाइंड है तो एस ने अभी फिजिकल चेक्स uh, भी हटा दिया है यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा तो ये देखिए बेनिफिट्स फ्री एश्योर बीसी पॉइंट होगा ओके okay, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है अमाउंट में कोई डिपॉजिट नहीं होगा हैसल फ्री पॉइंट मिलेगा विद इन वीक सात वर्किंग डेज में कोई एक्सटर्नल डिपेंडेंसी नहीं होगी बैंक के लिए ऊपर ओके रियल टाइम फ्री जीरो बैलेंस आधार बेस्ड अकाउंट ओपनिंग होगा इंटरऑपरेबल बैंकिंग मिलेगी कोई प्रेशर नहीं होगा ट्रिपल एस ट्रांजैक्शन है ही नहीं तो उसका प्रेशर भी नहीं है राइट हाईएस्ट कमीशन है इंडस्ट्री में और कस्टमर का कोई चार्जेस नहीं होगा कैश विड्रॉवल या कैश डिपॉजिट पर कस्टमर के लिए एब्सोल्युटली फ्री है और माइनर अकाउंट ओपनिंग है फैसिलिटी है इसके अलावा फिजिकल डेबिट कार्ड है क्रो ब्रांडेड एसबीएम और वक्रंगी का डेबिट कार्ड मिलेगा तो ये देखिए जो कस्टमर है ये हमने पहले भी देखा है इसके पहले सेम है, तो है, तो है, है वो दे रहे पंद्रह रुपए दूसरे कॉम्पिटिटर बीस रुपए दे रहे हैं दूसरी और एडिशनल एक्टिविटी करके और दस रुपए मिलता है और कार्ड के साथ में जहां हम पचास दे रहे हैं एक कॉम्पिटिटर पैतीस दूसरा कॉम्पिटिटर जो है वो कार्ड के साथ कार्ड ही नहीं दे रहे मतलब वो ऑप्शन ही नहीं है उनके पास ठीक है तो ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए सिर्फ कार्ड के लिए हम बीस ले रहे दे रहे लेकिन दूसरी एक है कॉम्पिटिटर वो पैंतीस दे रहे ठीक है लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें जैसे फिक्स डिपॉजिट पे हम पॉइंट थ्री जीरो परसेंट दे रहे हैं बाकी कॉम्पिटिटर ये देते ही नहीं है कैश ट्रांजेक्शन जैसे मैंने बताया था पॉइंट थ्री वन बाकी बैंक क्या दे रहे पॉइंट वन पॉइंट वन फाइव सो देखिए so बाकी बैंक में अगर आप जाएंगे बैंक मतलब तो रुपए का खर्च है, है. है वक्रांगी में एस बी एम के साथ और बाकी कॉम्पिटिटर के पास नेक्स्ट बीसी पॉइंट की ऑफरिंग अगर हम देखेंगे तो एक हफ्ते में शुरू हो जाता है पीएससी बैंक में तीन से छह महीने और प्राइवेट जो बैंक है पेमेंट बैंक पे देखिए पेमेंट बैंक जो है ये बिल्कुल भी यू नो कंपेयर नहीं कर सकते हम बैंक के साथ बैंकिंग सर्विस के साथ एस में प्रॉपर बैंकिंग सर्विस मिल रही है पेमेंट बैंक में बहुत ही लिमिटेड है सिर्फ पेमेंट्स के ऑप्शन मनी ट्रांसफर दैट्स इट बाकी बैंकिंग सर्विस यहाँ पे नहीं होती ओके okay?

ठीक है और बैंकिंग की सर्विस एक्टिवेट हो जाती है सेवन डेज में सेवन वर्किंग डेज में अभी कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है देखिए एक्सक्लूसिव बैंकिंग बीसी आउटलेट होना जरूरी है अभी जो नए नॉर्म्स है आरबीआई के और बाकी बैंक्स के तो उसके अंदर वो नहीं चाहते कि बैंक के बीसी पॉइंट के साथ एटीएम कनेक्टेड हो या केंद्र कनेक्टेड हो या, या कोई और सर्विस कनेक्टेड हो इसीलिए बैंकिंग बीसी पॉइंट का आउटलेट एक्सक्लूसिव रहेगा अलग रहेगा ठीक है उसे कट आउट करके अलग बनाना है डिजाइन मैनुअल के अनुसार दूसरी चीज वहां एक एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड बैंकिंग बीसी एजेंट होना जरूरी है ठीक है नेक्स्ट मिनिमम वर्किंग कैपिटल होना बहुत ही जरूरी है देखिए ये और कुछ एडिशनल चीजें हैं जैसे कि वर्चुअल कार्ड अभी इशू होता है यूपीआई के लिए ओके ये भारत इजी ऐप के थ्रू हो जाता है फिजिकल डेबिट कार्ड भी इशू होता है ये इसका इशूइंग स्टार्ट हो गया है अभी ये पेड सर्विस है 175 रुपीस प्लस जीएसटी का चार्ज है डेबिट कार्ड के लिए ओके जीरो बैलेंस जीरो एक्सपेंस वाला जो अकाउंट है यानी कि जीरो चार्जेस उसमें वर्चुअल कार्ड मिलता है डेबिट कार्ड के लिए वन 175 रु अलग से पे करने होता है अकाउंट ओपनिंग विद आधार ओनली ओके सब्सिडी का ट्रांसफर होता है एसबीएम में यानी कि डीबीटी इसके अंदर सिर्फ महात्मा गांधी नरेगा जो है ओके okay, वही एक सर्विस है सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज में जो डीबीटी के लिस्ट में जो अभी तक इन प्रोग्रेस है बहुत जल्द हो जाएगा एसबीएम का क, जो कस्टमर है वो कहीं पर भी जाकर कैश विद्रॉ कर सकता है रियल टाइम सेटलमेंट होता है अभी यानी कि सिर्फ दो घंटे में सेटलमेंट हो जाता है बैंकिंग की सर्विस के लिए अभी वक्रांगी की ओर से बैंकिंग की टीम है ऑन बोर्डिंग यानी कि जब फ्रेंचाइजी जुड़ती है ओके यानी कि वो ऑलरेडी फ्रेंचाइजी है है बैंकिंग की सर्विस एक्टिवेट कर रहा है। तो वो जो प्रोसेस होता है बैंकिंग का बीसी पॉइंट शुरू होने तक उसे कहते हैं ऑन बोर्डिंग ओके यानी कि राइट फ्रॉम एप्लीकेशन बैंकिंग का बीसी पॉइंट एक्टिव हो जाने तक यानी सिस्टम में वो एक्टिव हो जाता है वहां तक वो पूरे प्रोसेस को कहा जाता है ऑनबोर्डिंग ऑनबोर्डिंग के लिए तीन स्पॉक है विरल किरण आशीष ये रहे उनके नंबर ये रहे उनके ईमेल आप जो भी ऑनबोर्डिंग की क्वायरी होगी जिसी भी फ्रेंचाइजी की वो आप समझकर उसका टिकट रेज करा सकते हैं अगर टिकेट रेज नहीं हो रहा है ठीक है, अब ऐसे जो है वो ऑपरेशनल है बिजनेस कर रहे हैं अकाउंट खोल रहे हैं अपनी बीसी पॉइंट की सर्विसेज दे रहे हैं इन शॉर्ट आप समझिए इस जो फंक्शनिंग जो है इसे ऑपरेशंस कहते हैं ठीक है यानी कि ऐसे बीसी पॉइंट जिनके ऑपरेशंस में कोई इशू आ रहा है अकाउंट नहीं खुला एरर आ गया कोई दूसरे प्रॉब्लम हो गए यानी कि जिसका बीसी पॉइंट एक्टिवेट हो चुका है और वो सर्विस दे रहे हैं उसमें कोई इशू आया तो आप कनेक्ट करेंगे राजीव झा जी से ओके? Okay? ये रहा उनका नंबर और उनका ई सिर्फ एक्टिव फ्रेंचाइजीज के लिए एक्टिव बीसी पॉइंट के लिए तीसरा एस बी एम स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस में एक वॉलेट का इस्तेमाल होता है और वॉलेट के थ्रू बहुत सारे अलग अलग ट्रांजेक्शन होते हैं जैसे कि मनी ट्रांसफर डिपॉजिट उस वॉलेट का विड्रॉवल भी पॉसिबल है ठीक है तो अगर वॉलेट से रिलेटेड अगर क्वारी है वॉलेट के विड्रॉवल से रिलेटेड क्वारी है तो विजय है ये रहा उनका नंबर और ईमेल आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है थैंक यू बस इतना ही था हमारे आ, बैंकिंग के आ, इंडक्शन में okay? तो बैंकिंग इंडक्शन यहीं पर एंड होता है अभी मैं ये पास ऑन करूंगा ई कॉमर्स की टीम को वो करने से पहले मैं पूछना चाहता हूं क्या आपके कोई क्वेश्चन या क्वाइरीज हेलो हाँ अरुण जी बोलिए हाँ सर मेरा सर क्वेश्चन ये है ना सर हमारे अभी तक इसमें एपीएस वाला सिस्टम नहीं हुआ जिससे बहुत सारा डिफिकल्ट आता है डिफिकल्टे कस्टमर अकाउंट कहता आपके नहीं आ सकते, तो नहीं कर पाता आना है मेरे पास, कराने के लिए वो बहुत बड़ा इश्यू है सर ओके तो जरिए विड्रॉवल नहीं हो पा रहा है ओके okay. तो देखिए ये बहुत जल्द रिजोल्व हो जाएगा क्योंकि उनके पास डेबिट कार्ड है वर्चुअल कार्ड है वर्चुअल कार्ड से क्या होता है यूपीआई चल जाता है आप अभी आज के डेट में कहीं भी जाते हो गूगल के थ्रू यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर करके भी विद्रॉ कर सकते हैं एक दूसरा जब डेबिट कार्ड अपने पास होता है तो कोई भी एटीएम से विद्रॉ होता है किसी भी माइक्रो एटीएम से विद्रॉवल हो पाता ठीक है तो उस तरह से हो जाता है, है। सर बोलिए ना मैंने बोला सर जैसे आप कह रहे हैं कि तो कस्टमर ना मैंने जिसमें कईयों के एटीएम नहीं मिले अभी तक और अगर सर एटीएम लो मैं वर्चुअल देता हूँ वर्चुअल से पैसा विड्रॉ हो जाता किसी भी एटीएम से सर वर्चुअल में क्या होता है उसे कनेक्ट कर पाते हो यूपीआई से यूपीआई से मेरा मतलब होता है पेटीएम गूगल पे ऐसी सर्विसेज से इसको यूपीआई कहा जाता है अभी एक बार उसमें कनेक्ट हो गया तो सर, तो सर थीक सर वो ठीक है है एक एक मिनट मेरा क्वेश्चन और आप कह रहे हैं कि बहुत आंसर दे दो क्वेश्चन का ठीक सर ठीक ओके तो यूपीआई का एक चीज खत्म हो गया सर ठीक है दूसरा आते हैं आपके एटीएम कार्ड के लिए देखिए पहले हम लोग फ्री में दे रहे थे एटीएम कार्ड ठीक है अभी उसमें इशू क्या था एस बैंक के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था फ्री में इतने सारे कार्ड जो इशू करना था और बहुत चैलेंजेस थे तो अभी क्या किया है वन हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव रुपीज प्लस जीएसटी ये चार्जेस है डेबिट कार्ड के लिए ठीक है तो कोई नया अकाउंट खोल रहे हैं ये प्राइस साथ में पे कर रहे हैं तो उनको डेबिट कार्ड मिल जाता है अभी जिसके पास ऑलरेडी अकाउंट है यानी कि उनके पास वर्चुअल कार्ड है सिर्फ डेबिट कार्ड नहीं है फिजिकल तो वो हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव रुपीज प्लस जीएसटी भरेंगे फ्रेंचाइजी कमाएगी बीस कमीशन और उनको एक फिजिकल डेबिट कार्ड मिल जाएगा ठीक है तो ये है अभी सोल्यूशन जो हमें अपनी फ्रेंचाइजी को समझाना है क्योंकि इसी तरह से हम बिजनेस कर पाएंगे हाँ अभी अरुण जी आप बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका सर की जैसे जिसके पास टच फोन नहीं यूपीआई नहीं बना सकते जिनका जिनका सिंपल फोन है बेसिक फोन। ओके okay. तो सर देखिए दो चीजें होती है फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपके यहाँ विड्रॉल कर पाते हैं ऑनस्ट ट्रांजेक्शन होगा वो आपको अपना एस का अकाउंट नंबर देंगे उनके एस लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा वो आपको देंगे ऑथेंटिकेशन हो गया आप करके उनको दे सकते हो वन अब वो कहीं और अगर जा रहे हैं किसी और लोकेशन पर तो वहां पे विड्रॉ करने के लिए सर उनके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं फिलहाल में कि वो यूपीआई का इस्तेमाल करें राइट अगर उनका स्मार्टफोन नहीं है दूसरा जो ऑप्शन है कि वो फिजिकल डेबिट कार्ड के लिए ऑप करें अगर उन्होंने पहले नहीं लिया है तो उनको बोलिए कि अभी आप वो वन सेवेंटी फाइव भर के वन सेवेंटी फाइव प्लस जीएसटी भरकर वो फिजिकल डेबिट कार्ड ले सकते हैं आपसे और आपको बीस रुपए कमीशन मिलेगा हर कार्ड पर मतलब जो अकाउंट होल्डर है वो कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं वन सेवेंटी फाइव प्लस जीएसटी और कुछ नहीं देना यही है कार्ड के लिए चार्जेस और आपको बीस रुपए का कमीशन आपका बनेगा ठीक है तो अभी जो अपने फाइव हंड्रेड अकाउंट खोले थे आप उन सभी को वैसे कनेक्ट करके बोल सकते हो थैंक यू एवरी सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए ठीक है अभी किसी का कोई क्वेश्चन या सवाल नहीं है तो इसीलिए हम ये सेशन यहीं पर एंड करते हैं सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद